भगवान अपने बनाए हुए बंदों में कभी भेद नहीं करता। ओ माई गॉड 2 की रिलीज डेट 11 अगस्त पर सेंसर सर्टिफिकेट अब तक नहीं मिला है। खबर है कि सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ने 17 जुलाई को फिल्म देखी पर सेंसर सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा ये बात अभी स्पष्ट नहीं है। इधर फिल्म की टीम प्रचार में लगी है। अक्षय कुमार ने फिल्म का गाना ऊंची ऊंची वादी ट्वीट भी किया। ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर, कैसी लगी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। लेकिन गाने से रिलीज डेट 11 अगस्त की जगह नजर आया इस अगस्त, यानी अब रिलीज डेट को लेकर भी सवालिया निशान है। ओ माय गॉड 2 के रिलीज को लेकर जो डेट का कंफ्यूजन था वो अभी बरकरार है क्योंकि सेंसर ने अभी तक इस फिल्म को पास नहीं किया है। अब जब इस अगस्त में कहा जा रहा है इसका सीधा सा मतलब है कि सेंसर में फिल्म फंस चुकी है और अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि डेट आगे बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। फिल्म के निर्माता हाल की स्थिति देखते हुए पशुपेश में है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक फिल्म को अगर ए सर्टिफिकेट भी मिलता है तो वो भी कई दृश्यों के कट के साथ मिलेगा। पर सवाल ये उठता है कि ए सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को कट देना क्या गाइडलाइंस के अंदर आता है और क्या ये न्यायपूर्ण है? अगर OMG 2 को ए सर्टिफिकेट मिले कट के साथ तो नुकसान सबसे ज्यादा अक्षय कुमार का होगा, क्योंकि अक्षय कुमार मास का हीरो है और उसका यंग ऑडियंस उसकी ऑडियंस है, वो मिस डेफिनेटली हो जाएगा। और दूसरा जो मुझे पता चला सब्जेक्ट थोड़ा सा सेक्स एजुकेशन पे, तो वो आई थिंक प्रॉब्ली इसके कारण सेंसर ए सर्टिफिकेट देने के फिर आप में है। उस अंधकार में क्यों जा रहा है महाराज, अब आप ही आके राह दिखाओ। फिल्म को अभी रिव्यू कमेटी भी देखेगी। ऐसे में सेंसर बोर्ड के लिए डगर कठिन है क्योंकि एक तरफ उन्हें गाइडलाइंस का ख्याल रखना है और दूसरी तरफ लोगों की भावनाओं का भी। पर इन सब के बीच निर्माता निर्देशक का पैसा और साख दोनों दांव पर है। ऐसे में उन्हें भी भोलेनाथ से ही किसी चमत्कार की उम्मीद होगी। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट।